أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. مختصر الحمد والصلاة بعد تمام تر حمد والصلاة کبریائی بنائی خود اللہ کبھی آپ بھی لاؤں گے یہ خود پوری کائنات حقیقی خالق مالک را ای حدیث جو آخری حصوں کا حلیسا ہوں اور کہہ رہا ہے کہ صحیح مسلم نے حدیث موجود آیا عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین جو دینے تو پہلے رب جو پہلے دل میں خوف رکھے تو جتنے قدر اللہ جو نیک بانو آئے انہوں نے اتنے قدر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر آزمائش امتحان پیدا کرو اے صبر تحمل والی زندگی بسر کرو
मकाम आए जड़े तरीके जे इंसान के ढांचे के अंदर उनके मथे जो सर जो मकाम आए जे इंसान जो गर्दन कटी वाले उनको सर तन का जुदा कर वाले वो इंसान कामिल मुकम्मल न तो रही सके इंसान खत्म थी वो इंसान जिंदा न तो रही सके अड़े तरीके का जे इंसान मोमिन के अंदर सबर ना आए तो गोया उन ईमान मुकम्मल कामिल मोमिन ना आए सच्चो मुसलमान ना आए जिंदा सबर ना आए तो मुझे आप दोस्त बुझायो दीन इस्लाम के अंदर शरीयत के अंदर सबर के अल्लाह रब्बुल के ना मर्दबान मर्दबान निभाए अजसा पानी जिंदगी के अंदर दसू असा तकाली परेशान दे दुनिया की आजमाइश दे केतरे कदर सबर तहमुल मारी जिंदगी बसर करे था नबी सलाम सलाम पता कुरबान में मुझा दोस्तों
अजसांगे को आलिम के खतीब के कि इमाम के का तकलीफ पहुंचे थी फौरन बंदो ले तो नाराजगी बने तो मगर मुझे आदो सभी भाई इमाम अलमिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दार का प्रभाव मंजे नबी ने सलात व सलाम ने फरत के जवाब दियो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबा उम्मीद रखा तो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम के अंदर हर जे नसल के अंदर वो कौम पैदा करो वो मानु पैदा करो जेक अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद बयान करती है अल्लाह का जरे बराबर को शिर्क कौन करा अल्लाह की इबादत करना ए रब्बुल आलमीन के इबादत के शरीक न करना मैं उम्मीद रखा तो मुझे अजीब भाई दो अल्लाह रब्बुल आलमीन इमाम अलबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन इन रोई जमीन पे पानी उम्मत ला रहमत बना के मोकला मुझे अजीब भाई दो नबी सलाम व सलाम पानी उम्मत ला इन हालत में भी परेशानी हालत में इन आजमाइश में भी अल्लाह का उम्मीद रखो या अल्लाह इन कौम के अंदर एड़ा मान पैदा कर दे कि तू इबादत कर अकेले शरीक न कर अजीज भाइयों सबका पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया अलैहि सलाम व सलाम जो हस्ती दे इम्तिहान वरतो तकालीफ नहीं कर रहे आजमायो वही दिन तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात فَعَدَّمَّهُمْ اللہ رب العالمین مارے قلامِ مقدس جا فرمائے وَإِذِ ابْتَلَى عِبْرَاهِيم جرے وسا عبراہیم علیہ السلام نے آزمائے اور امتحان پر تو فَعَدَّمَّهُمْ ہر آزمائش ہر امتحان کے اندر عبراہیم علیہ السلام مکمل کامل لگو اگر میں کامیاب نہیں کرے पाने पाने रबरे सामू सुरखों का निकालो इन्हें जगह अल्लाह बुलाए भी पांच साल फरमायो कि जने में साइन जाएंगे सलात को सलात आयो हर आजमाश के अंदर हर इम्तिहान के अंदर हर मुसीब के अंदर हर परेशानी के अंदर इब्राहिम ने सलात को सलाम कामयाब की आज असल का तकलीफ पहुंचे थी परेशानी अच्छी थी अभी भाई बता अल्लाह का नाशुकरा थी करे रब ने नेमत जो ना शुक्र करूं था आई परेशान की बनू था ना ना मुझे दोस्तों तेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन पाले नेक बारे था पाले नेक बारे था जब अल्लाह रब्बुल आलमीन भलाई जगह तो कर तो आए अल्लाह ने मोहब्बत कर चाहे तो आए अल्लाह पर नेक बारे के इम्तिहान परेशानी के अंदर मुक्तला करे करे अल्लाह ने दुनिया के अंदर उन्हें सुख कर अरे आखर का जिंदगी वो हमेशा काबिल किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर नेक बारन की आत्माएं तो आए अभी भाइयों ये दुनिया की आज की जिंदगी या इम्तिहान की जिंदगी आए असल के हर वक्त जने का तकलीफ बचे परेशानी बचे याद रखो छात्र कभी मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह जनेब का मुसीबत परेशानी भी आए अल्लाह ने इज्जत का बगैर अल्लाह ने हुक्म का बगैर का आजमा परेशान न किया कभी पाए इन्हें इम्तिहान के अंदर जब इंसान मोमिन या अदा समझी बने कि यह इम्तिहान या घड़ी या मुसीबत अल्लाह ने इज्जत में आया अल्लाह ने हुक्म में आया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनेब के जरूर जो बदल दुनिया के अंदर इन्हें आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेक बारंदा हमेशा अल्लाह की मदद होती आए ये नेक बार अल्लाह जा मुहिब होता है जिन्हें बता परेशानी तकालीफ की दिया है तो मुझे अजीब फायदो दुनिया के अंदर जा तकलीफ अच्छे थी परेशानी अच्छे थी आजमाश अच्छे थी इन आजमाश परेशानी अंदर सागे कोई तो इनाज करो बल्कि उन्हें मुसीबत परेशानी अंदर इंसान फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या दुआ पड़ी करे रब का बेहतरीन उम्मीद रखे रब का बेहतर बोले या अल्लाह इनका परेशानी आया बताए बयान या अल्लाह इनसे मुका फौजी हुई आए ये नेमत तो दिन मुका बनती आए
इंसान जरे यो समझे इन्हें में रब ने तरफ भलाई आए रब ने तरफ आसमान से भलाई होती तो मुझे तो ये मोमिन ला हमेशा खैर भलाई पर मोमिन मानो जरे इन्हें परेशानी के अल्लाह अजाब समझे नौज मिल्ला बाद अल्लाह अजाब समझे अल्लाह मुझे नाराज भी कर नहीं मैं मुझे आदि बार के आसानी गलत हो जाए कने मसागे आजमाए परेशान के अंदर पूछते ना है तो बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शुक्र अदा करे रब्बुल आलमीन के आसमान के बता मसाब के बता इंसान सब्र तहम्मुल के बता यहया बिन सलाम रजी अल्लाह का हदीस सुना लिया फरमाया मोमिन इन अमर कुल्लहु खैर यहया बिन सलाम रजी अल्लाह फरमाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जो अजीब मामला है मोमिन जो अजीब मामला है हर मामले के अंदर हर पहलू के अंदर मोमिन ला खैर भलाई भलाई मोमिन भलाई का ना समझे हर पहलू के अंदर हर मामले के अंदर मोमिन ला भलाई भलाई फरमाया ना साबस सरलाओ फकल शकरा फकार ले वो खैर मोमिन के जरिए का खुशी मिलती आए का अल्लाह की नेमत मिलती आए तो मोमिन मानो उन अल्लाह जी इन्हें नेमत के बता मोमिन हमेशा अल्लाह जो शुक्र अदा कर दो आए शुक्राने तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कर दो आए या शुक्राने तौर पर नफल पड़ी करे रब शुक्र अल्लाह या अल्लाह तुझे लक एहसान तो मुझे बताई दुनिया जो नेमत दे दी है मोमिन जो हमेशा इयो ही सेवा कर सके मोमिन के हमेशा हर हाल के अंदर का अगर अल्लाह की नेमत आए केड़ी भी नेमत आए उन वक्त अल्लाह ने शुक्र अदा करे जो अल्लाह ने शुक्र अदा करे तो लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम अगर मोमिन मारो अल्लाह ने शुक्र अदा करे तो अल्लाह मजीद नेमत मजीद अदा करे तो मोमिन के जरिए का खुशी का भलाई मिल गया है तो मुझे आता तो मोमिन करे उन नेमत ए भलाई के अंदर अल्लाह जो शुक्र अदा कर जाए तो मोमिन खैर भलाई भलाई वैदा साम जर्राओ फकल समरा अगर मोमिन मुसलमान ने बता का तकलीफ की दी आए परेशानी की दी आए मसाई की दी आए मोमिन मानो रलो दाओ दुख न कर दो आए वाय वेला न कर दो आए बल्कि मोमिन मानो इन हालत के अंदर अल्लाह ने जरा सबर कर दो आए छा कर दो आए सबर कर दो आए फकान लो खैर अगर मोमिन तकालीफ परेशानी के अंदर सबर करे दो फकान लो खैर इनला बेहतरी भलाई खुशी जो मामलो आए तरे भी मोमिन भलाई आए गमी जो मामलो आए मोमिन पीनू पेलो के अंदर भलाई भले आए ये अजीब मामलो फिर मोमिन के अंदर तब जो अजीब भाइयो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर नेक मानन दे हमेशा इम्तिहान उठी करे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसाइब के अंदर परेशानी मुतला करे अल्लाह उनके रूह जमीन से सुरखुर कर चाहता है ए अल्लाह वक इन जो कई गुना वधी के मुजा अल्लाह क्या मत कर ले उन्हें जो अजर अता करता है अजी भाई अनस रजी अल्लाह अजी साहब फरमाता एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत ने बता गुरु जी औरत के कब्रे बता रोए पई वाए वेला करे पई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इत्तकिल्लाह वस्बिरी ए अल्लाह दी वाली अल्लाह का जिंदे सबर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे सबर की तल्कीन कही आए सबर के लाओ लगे हुक्म ने लाए अल्लाह दी वाली अल्लाह का जिंदे सबर कर और अल्लाह दी वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जो वन तो के कमरे केड़ी कमर होता था दुनिया है मुझे बता केड़ी मुसीबत परेशानी गुजरिया वन तो के केड़ी खबर कोई देर का बोलो और की बुलाए बने तो यो चवड़ा वालो यो नसीब कर वालो इमाम लंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी ने सलातो सलाम की वरते थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौकीदार था डायरेक्ट कहती कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पेश देती ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मो तवागे कुल सब जुमला चाहिए ना आए मो तवागे सुना तो कौन इन्हें ने करे मो
वो कुछ सख्त मिला चीज रखता हूं मुझे माफ करो कुर्बान मजे मुझा बस नदी पायो इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे सख्त जिला क्या हुआ बन तो के कर तो भरोसा चाहो दी आए अगर को असा के को मारू का सही रस्ते बुदाए असा उन के तुम आने हालत तो के करी तो बुदा रसूल ने चाल थी वापस आ उन का सवाल था बुदाए को करे करे पर फिर कर तो हम के जवाब दे दो आए मगर मुझे अभी पायो कुर्बान में इमाम लंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के डाटो ना कुछ न थयो कुछ न थई बल्कि छाते उन का को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस सब्र इन द सब्र कुला एवन याद रख सब्र पे ही करो आए जरे इंसान के मता तकलीफ अचे आसमा जते फौरन यो मोबिल मारो पर जवान पे छात रे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन اللهم اجعلني مصيبتي مخلصني خيرا منها انا لله ما اقرا ولا ما اعطى وكل شيء عند مجرد المصنع فلتصبر ولتعتصم النبي صلى الله عليه وسلم دعوا سكاي مائن یہ دعوا پڑی کرے پانے پان کے بانو یا نصیب کرے پانے پان کے صبر تحمل مارو بنائے کرے صبر کرے یعنی بھائی بلا رڑیو نہ کرے انسان اگر روئی کرے رڑیو کرے केतरो होडो करो केतरो होइदो आखर सबर तइदो बुढा दोस्तो जेके रोड़ा वाला दम कण वाला मारू मसाए परेशानी में रोई रोई केतरो रोंदा रड़ू करे केतरो रोंदा आखर सबर तइदो मगर न के बुढा दोस्तो सवाब का मारूफ दींदा अदर का मारूफ दींदा छाने करे सबर चाहे सबर इन द सबब मुदा सबर वो आए जेने तकलीफ पे फौरन ये बानो कादर इन अल्लाह قدر اللہ ما شاء اللہ یہ مجھے تقدیر لکھے ہو یہ مکے دھک لگڑو ہو یا پریشانی یا آزمائش مجھے مت اچڑی ہوئی فورن یہ بانو صبر تحمل پانے اندر پیدا کرے تو مجھے عظیم بانو دنیا کے اندر یہ انسان کامیاب کامیاب ہو اے آخر کے اندر اللہ رب العالمین کئی نعمت نوازے دو تو مجھے دوستو امتحان کے اندر مصائب کے اندر پریشانی کے اندر مومن بانے کی ہمیشہ صبر تحمل والی زندگی میں سر کریا آخر حدیث بنائے کریں پانی گالے ختم کرنے مجھا دوستو عطا بن نوار رحم اللہ تعالیٰ فرمائی تھا کہ وہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائیو اے عطا چھا ماں تو گئی ہوا عورت نے دکھا گیا جے کی عورت جے عورت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی جنت کی عورت کو نظر آئے کہ یہ عورت جنت کی عورت مجھے عزیز بھائی بہنوں انہیں حدیث غور کا بدن توجہ کا بدن خصوصی طور انہیں بیماری کے اندر پریشانی کے اندر عورت کو مائر بہنوں کو جانو گھڑے مانگے گھڑے حصے تابیدے نے پوچھا بھوپا نے پوچھا بابا نے پوچھا مغان نے پوچھا دربار میں بتا بنی کرے پہلے ایمان عزت غیرت صفائی کرنے کے مسائل پریشانی کے اندر ان عورت کے دسو جے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جنگل کی بشارت نہیں آئے وہ آپ کا عورت ہوئی مجھا عظیم مائلو بہنوں وہ آپ عورت ہوئی انہیں کے جنگل کی بشارت کیا ملی ابن عباس رضی اللہ فرمائے جائے کہا یہ کارے کلر کی کاری عورت سیاہ رنگ کی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجب تھی عجیب کرے جوان تھی اے اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منہ کے مرگی جا دورہ پہن آئے مرگی واری بیماری منہ کے اندر آئے درے منہ کے مرگی جا دورہ پہن آئے جیسے دورہ کی حالت میں متعیہ حالت کی بھی آئے کہ ماں پہلا کپڑا بنائے سے برانا کی مجھے خبر چھوڑ کر دیا ہے اینی خطرناک بیماری آئے کہ مرگی دورہ پہن رہے پہلے کپڑا لائے سے نہیں گیا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا دعا کرو اللہ رب العالمین کے شفا کامل آ جاتا عزیز بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سیاہ رنگ کاری عورت کے چھا دے اے عورت اگر تو چاہی ماں تعالیٰ دعا مرد اللہ رب العالمین کو بھی شفا دے
अल्लाह ने बीमार को निजात दे। अगर तू चाहे ना बीमारी सबर करी, सबर करे भले जिंदगी बसर करी, तो इनके एवर मां को जन्नत भी बसा रखे। भाई मामला तुझे हथ में, या चाहे तो मां दुआ घुरा तो अल्लाह को शफा दे, और मालिक आए तो शफा दे, रब लाल मर्जी आए। अगर तू चाहे अगर इन्हें बीमारी के अंदर सबर तहमुल वाली जिंदगी बसर करी, ये तकलीफ बर्दाश्त करी, मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिसाल दिया। वही मामला है बेटा दोस्तों, आज के औरत के ना तकलीफ देती, को पुत्र बीमार आए, का नजर लगी हुई आए, का बीमारी लगी हुई आए, भोर में दरबार में बाबा ने पीर ने पोपर ने नहीं करे, नाउदिल्ला माजिल्ला गैर शरी इलाज गैर तरीके से पांच इलाज कराए जो है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन वन नज़ल मिन अल-कुरान मा व हुदा व शिफा व रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कलाम मुकद्दस के आले ईमान दिला शफाई तौर पर नाजिल के भाई कुरान शफा भी आए, ऐ सूरह फातिह में नाजिल शफा भी आए। या अय्युहन नास कद जाकुम मौइदतुम मिन रब्बिकुम हुदा व शिफा, ए आले ईमान तवाजे ना कुरान शिफा है, तवाजे दिल की बीमारी ना शिफा है। इन्हें कुरान के पढ़ी करे पाजे मेरा दम करो, इन्हें कुरान के पढ़ी करे देखे मेरा दम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तवा के बीमार पर निजात दे, और रब्बुल आलमीन आए इन्हें कलाम और शफा बटो डायरेक्ट असर ना पड़ना से डायरेक्ट सिर्फ फाते पढ़ी करे पर मेरा दम करो, जबकि सिर्फ फाते नालो शिफा रखे हुए आए मर कुरान के खड़े करे। ताबीद ने पूछा आई गैर शरी तरीके था वनी करे मजार पे दम कराई दियो, नाजायज तरीके था पानी पड़ी करे, नाजायज तरीके था तावीद पाए करे पर इराद कर दियो, इज्जत पाई ईमान में हो सादे करे अजीब बाहर हो जो कुरान के खड़े करे रब लाल कलाम के खड़े करे नाजायज तरीके इराद करे दो सरासर पन ईमान पाए तो सारे करे। नबी ने सलात और हदीसा मन तअल्लक तमीमतन फकत अशरक, जेल को तावीज न कर धागो न कर जो शिर्क है, ऐ शिर्क को गुनाह है कि इंसान मरी बन कर पहुंच रहे दुनिया के अंदर पहले जिंदगी में शिर्क ला सच्ची पक्की तौबा न करे कि वो हमेशा में जहन्नम में रहे। बुधा असल मारे के अंदर खुसूसी तौर और के अंदर कितने कदर बीमारी आए, हर बार में गले में तावीज आए। सूरज यासीन आए नौज बिल्ला मादल्ला मुझे अजीज भाई हो, अगर इन्हें कुरान के पूरे जो पूरे कुरान के तवा गले में लटकाए करे तवा पाइन रहे हो कुरान में रहे हो, इन्हें जी हिस्से कुरान में खत्म की गई यो तावीज आए नाजायज तरीको आए। अल्लाह ने कुरान असा के पढ़ला अमल ना रहो असा ने पढ़ी के अमल करे तो उन औरत के मतलब कुरान में जे औरत के सामू ब पहलू रखा गया नबी ने सलात सलाम उठा जो औरत के अगर तू चाही मां तो दुआ कर अल्लाह तो शफा नहीं दो, अगर तू चाहे अगर बीमारी में सबर करे जन्नत की बशारत आए। कुर्बान वाले बोले और सहाबिया के मुताबिक औरत ने बता जे औरत फोर के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां बीमार रहा तकलीफ रहे बीमारी मसाइल पर न रहे मुके जन्नत कबे जन्नत की बशारत कबे बेहतरे कदम बोला दुआ करो सिर्फ पर ना रखा पर कपड़ा ना लाया बीमारी भरे रहे परेशानी मसाइल भरे रहे मगर मुझे जन्नत की बशारत बीमारी में सबर तहमुल मिजाजी ऐ बीमारी पसंद करे भले बीमारी रहे मुके जन्नत की बशारत करे तो मुझे अजीम बात मेरे सलात व सलाम दोनों रुक के दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दिया। इब्ने बास ने फरमाया ए रबा अता रबा ही जन्नत भी होता है जगह नबी ने सलात व जन्नत की बशारत दिया। तो मुझे अजीम भाइयों जिंदगी के अंदर नबी ने सलात व हदीसा जितने कदर इंसान जितने कदर मुत्तकी परहेजगार है अल्लाह के नेक मानो है इतने कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दुनिया के अंदर आजमाए तो है मसाई परेशानी से दोचार करे आजमाए तो उन्हें इम्तिहान लगवाए जैसा ही नेक मानो कितने कदर त
तकालीफ के मुताबिक सबर तामुल मिला दिया। यूसुफ अलैहि सलाम को सलाम के अजीब बार आजमाए लो, कुएं के अंदर उछलाए लो, यूसुफ अलैहि सलाम को सलाम के जेल के अंदर भिगोए लो, मगर उनका मुझे सबर तामुल वाली जिंदगी बसर गई। अल्लाह तआला यूसुफ अलैहि सलाम को सलाम तख्त अता कयो, अजीज मिस्र ठायो, मिस्र के बादशाह छाडे करे इज्जत मिली, यो रुतबो मकाम छाडे करे मिलो, दुनिया के अंदर तकाली परेशानी में सबर तख्त कयो। अजीज बार असा के कबे जने दुनिया के अंदर असा के जिंदगी के अंदर जने बा तकलीफ अचे परेशानी अचे सब का करी मा असाना मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, असा के जेन का कबे कि हर तकलीफ परेशानी अल्लाह के हुक्म कदर का भागे लगी थी, अल्लाह की तरह तकलीफ आई है इन्हें मदद सा सबर करे और सबर करे तो अजीब बाहर मिलेगा दुनिया के अंदर भी बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह मा सबिरिन, अल्लाह सबर करो हमेशा कर रहा है, वल्लाह युहिब्बु सबिरिन, अल्लाह सबर करने वाले मोहब्बत करे तो जब वो सबर करे तो अल्लाह के नेक बंदो आए الذين اذا اصابت مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون جل قال ایمان بتا مصیبت چلی پریشانی تے الذين اذا اصابت مصیبه مصیبت پریشانی چلی قالوا انا لله وانا اليه راجعون یہ کلمہ مومن کی زبان تو ہوتا ہے تادی بھائی چھا دے کرے اسا پریشان ہیں چھا دے کرے اسا دنیا دے اندر پریشان لینے دے کرے तकालीम के बता सबर ना आए, अगर इंसान सबर करे सबर तहमल वाले जिंदगी बसर करे दुनिया के अंदर अल्लाह ने मेरे मालूम में इज्जत मान मर्तबा नहीं हुआ ए इंसान हमेशा कामयाब की दो जब तुम्हारे जिंदगी के अंदर हमेशा सबर तहमल वाले जिंदगी बसर आखिर हदीस में जरा फरमाए लैस सदीद बसरा इन्नहु सदीदुल लजी यमलक नफ्स इंद अल्लाह ताम बाद वो ना आए जो कावर के अंदर की किराए चले बिछाए चले धक्कड़ मारे चले वो बहादुर ना है, बहादुर वो शख्स है जेके कावर थे गुस्सो थे उन वक्त पानी पाड़ कंट्रोल करे सबर करे जो बहादुर अल्लाह का दुआ अल्लाह ताला आगे एड़ो बहादुर भाई जे जे बहादुर की नबी सल्लल्लाहु तआली की उनसा बहादुर है जे गुस्सो थे कावर थे इन हालत के अंदर के मोमिन मानो सबर तहमल वाली जिंदगी बसर करे अल्लाह का पाक अल्लाह का सागे पाक जिंदगी हमेशा सबर तहमल वाली जिंदगी बसर करे तौफीक अता फरमा अल्लाह आमीन।